हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर बायो के बारे में, जिसमें अपना लेसन चल रहा था जो 10वां लेसन है, कृषि महत्व के जीव जंतु। ठीक है, ये हमारे इस लेसन का थर्ड पार्ट है। इस लेसन में अपन कृषि में जो महत्वपूर्ण, कृषि में जो उपयोगी जीव जंतु होते हैं, उनके कीड़े मकोड़े, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, जिसमें अपन ने केंचुए के बारे में पढ़ा है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में अपन ने मधुमक्खी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और रेशम कीट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम तीसरा हमारा जो पार्ट है उसमें तीसरा रेशम कीट, लाख कीट के बारे में पढ़ेंगे। लाख क्या होता है, चर्चा की थी हमने लास्ट में, ठीक है, लास्ट के 2-3 मिनट में इस कीट के बारे में। तो शुरू करते हैं अपन इस कीट को। ठीक है, लाख कीट क्या होता है, लाख कीट, इसके बारे में हम पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, लाख कीट की खासियत क्या होती है, बीचों कितनी आ गई है, तो अब ठीक है ना। लाख कीट की क्या खासियत होती है, तो इसके 3 उत्पाद होते हैं। लाख कीट से हमें क्या मिलता है, 3 उत्पाद होते हैं। एक तो लाख सा रंजक होता है, अर्थात लाख का रंजक रंग होता है, ठीक है, उसको रंगने में कार्य आता है, ठीक है। फिर मॉम होता है, फिर लाख सा एक रेजिन होता है जिसके वाणिज्य उत्पाद होते हैं, बताया था मैंने, जिसे बिजनेस पैसे कमाए जाते हैं। लाख के 3 उत्पाद होते हैं, तीन उत्पाद कौन कौन से, एक तो लाख सा रंजक, लाख के 3 उत्पाद, 3 उत्पाद लाख सा रंजक, लाख सा मोम, लाख सा रेजिन, लाख सा रेजिन वाणिज्य तथा व्यापार के प्रमुख हैं, ठीक है। ये तीनों ही उत्पाद क्या है, लाख कीट के 3 उत्पाद, 3 उत्पाद लाख सा रंजक, लाख सा मोम, लाख सा रेजिन वाणिज्य अर्थात बिजनेस, वाणिज्य व्यापार के प्रमुख हैं। सबसे प्रमुख रूप से इनका व्यापार भी किया जाता है, वाणिज्यिक उत्पाद भी फैक्ट्रियों में इनको बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में क्या इनका पालन किया जाता है, सॉरी फैक्ट्रियों में, ठीक है। ये क्या करते हैं, ठीक है, ये किन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये बरगद, ठीक है, पीपल, ढाक, बेर, कुसुम वृक्षों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये बरगद, बरगद, ढाक, पीपल, बेर, कुसुम, ये वृक्षों के नाम है, इन वृक्षों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। मादा कीट पर विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती है, लाख कीट में जो मादा कीट होता है उस पर विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती है, जिनसे गोंद के समान, गोंद के समान पदार्थ निकलता है। मादा कीट पर, मादा कीट पर विशेष प्रकार की ग्रंथियां
होती है। मादा कीट पर विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती है जिनसे गोंद के समान पदार्थ निकलता है। गोंद के समान क्या निकलता है? पदार्थ निकलता है। अगला क्या है देखिए, ठीक है। इसका जो शिशु होता है, शिशु जिसको निम्फ कहा जाता है, ठीक है, यह अपने शिशु या निम्फ की रक्षा हेतु लाल रंग की मादा, जो लाल रंग की मादा होती है, ठीक है, वह अपने शिशु या निम्फ की रक्षा करने के लिए, ठीक है, घोंसले के रूप में लाख का निर्माण करती है। अपने लाख को बनाने के लिए वो, सॉरी, घोंसले को बनाने के लिए लाख का निर्माण करती है, ठीक है। यह अपने शिशु या निम्फ की रक्षा के लिए लाल रंग की मादा एक घोंसले के रूप में लाख का निर्माण करती है, लाख का निर्माण करती है, ठीक है। लाख का निर्माण करती है, ठीक है। यह वृक्षों की टहनियों को, ठीक है, यह जिन वृक्षों पर जैसे बरगद, पीपल, ढाक, बेर, कुसुम, ठीक है, इन वृक्षों को यह अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं, तो इन वृक्षों पर रहती हैं, ठीक है, इन वृक्षों पर ही रहती हैं, तो इन वृक्षों की टहनियों को गर्म जल में उबालने से तथा उसमें फिर कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाकर लाख को अलग कर दिया जाता है, उन टहनियों से लाख को अलग कर दिया जाता है। इन वृक्षों की टहनियों को गर्म जल में उबाल कर तथा उसमें फिर कुछ रासायनिक पदार्थों को मिलाकर लाख को मिलाकर लाख को अलग कर लिया जाता है। लाख को क्या कर लेते हैं अपन, अलग कर लिया जाता है, पहले उबालते हैं टहनियों को, ठीक है, फिर उसमें रासायनिक पदार्थ मिलाकर क्रिया करवाते हैं, पदार्थों को मिलाकर लाख को अलग कर लिया जाता है, ठीक है। फिर इसका आर्थिक महत्व क्या है देखिए, आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व, विश्व का जो लगभग पूरे विश्व का जितना भी लाख उत्पादन होता है उसमें से 80% तो अकेले भारत में होता है, ठीक है। विश्व का 80%
लाख उत्पादन भारत में होता है। भारत में होता है, ठीक है। लाख का जो सर्वाधिक उपयोग ग्रामोफोन की रिकॉर्ड बनाने में किया जाता है, ठीक है। ग्राम इसका लाख का सर्वाधिक उपयोग ग्रामोफोन की रिकॉर्ड बनाने में किया जाता है। ग्रामोफोन की जो रिकॉर्ड होती है उसको बनाने में, अर्थात जो रील होती है उसको बनाने में किया जाता है। विद्युत रोधी के रूप में बिजली के सामानों में इसका प्रयोग किया जाता है। लाख की से जो लाख प्राप्त होता है वो विद्युत रोधी होता है, विद्युत का कुचालक होता है, तो इसलिए इसका उपयोग बिजली के सामान बनाने में किया जाता है। विद्युत रोधी के रूप में बिजली के सामान बनाने में इसका उपयोग होता है। बिजली का सामान बनाने में क्या होता है, इसका उपयोग होता है विद्युत रोधी होने के कारण, ठीक है। लाख से क्या होता है, रंग, वार्निश, पॉलिश, चूड़ियां, चपड़ी, ठीक है, दवाइयां भी बनाई जाती हैं। लाख से रंग, पॉलिश, वार्निश, ठीक है, चूड़ियां, चपड़ी व दवाइयां बनाई जाती है, बनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया लाख कीट के बारे में। आगे है दीमक, अगला जो हमारा कीट है वो है दीमक, ठीक है। दीमक नेमक दीमक देखा है, उदय जिसे अपन नॉर्मल भाषा में कहते हैं उदय, ठीक है, वो दीमक। देखिए इसका वैज्ञानिक नाम ओडेंटो टर्मिस है, ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम ओडेंटो टर्मिस है। वैज्ञानिक नाम क्या है, ओडेंटो टर्मिस है। और जब किसी का वैज्ञानिक नाम अपन लिखते हैं तो उसके नीचे क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। यह जमीन के अंदर अर्थात भूमि के नीचे टर्म टेरिया के अंदर निवह बना के रहता है, गुफा बना के रहता है। यह भूमि के अंदर टर्म टेरिया के नीचे निवह बना कर रहता है, निवह बनाकर रहता है, ठीक है। इसे सफेद चींटी भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, शरीर पर, क्योंकि इसके शरीर पर सफेद मटमेला
इसका जो शरीर होता है वो सफेद मटमेला कोमल चींटी के आकार का होता है। इसका शरीर, इसका शरीर सफेद मटमेला, ठीक है, सफेद मटमेला कोमल चींटी के आकार का होता है। इसका शरीर उल्टा लिख दिया मैंने, मटमेला सफेद होता है, मटमेला सफेद कोमल तथा चींटी के आकार का होता है, इसलिए इसे सफेद चींटी कहते हैं, सफेद चींटी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सफेद चींटी कहते हैं, सफेद चींटी इसको कहते हैं, ठीक है। यह सेल्यूलोज युक्त पदार्थों को खाकर जीवन निर्वाह करता है। जिनमें पदार्थों में सेल्यूलोज पाया जाता है या जो पदार्थ सेल्यूलोज से बने होते हैं उनको ये खाती है, ठीक है, जैसे कागज लकड़ी, ठीक है। यह सेल्यूलोज युक्त पदार्थों को खाकर जीवन निर्वाह करती है, ठीक है, करते हैं या करती है। यह सेल्यूलोज युक्त पदार्थों को खाकर क्या करते हैं, अपने जीवन निर्वाह करती है, ठीक है। इसके निवा में, इसकी गुफा में कह सकते हैं, इसकी जो कॉलोनी होती है पूरी, क्योंकि अकेली तो होती नहीं है, इसके साथ पूरी कॉलोनी होती है, पूरे ग्रुप में होती है। तो इसके निवा या ग्रुप में सदस्यों की दो जातियां पाई जाती हैं, एक तो जननिक सदस्या और एक बंधीय जातिया, ठीक है। इसकी निवह में सदस्यों की दो प्रजातियां, दो प्रजातियां पाई जाती हैं, दो प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो जननीय प्रजातियां और एक होती हैं बंध्य प्रजातियां, बंध्य प्रजातियां, जननीय प्रजातियां और बंधीय प्रजातियां, ठीक है। अब जननीय प्रजातियां कौन सी होती है, बंधीय प्रजातियां कौन सी होती है, ठीक है। ऐसे ठीक है, अब चलो इसको देखिए, जननीय प्रजातियां और बंधीय प्रजातियां दो होती हैं। पहली है जननीय प्रजातियां, जननीय प्रजातियां कौन सी, इसमें राजा रानी और पूरक जातियां आती हैं, ठीक है। पहली है जननीय प्रजातियां, जननीय प्रजातियां, इसमें कौन आते हैं, इसमें इसमें राजा रानी व पूरक प्रजातियां आती है, राजा रानी व पूरक प्रजातियां आती है, ठीक है। बंध्य प्रजातियों में क्या आते हैं, इसमें श्रमिक व सैनिक आते हैं। दूसरी जो प्रजातियां निवह में पाई जाती हैं वो कहलाती है बंध्य प्रजातियां, इनको इसमें श्रमिक एवं सैनिक आते हैं, इसमें श्रमिक एवं सैनिक आते हैं, आते हैं, श्रमिक एवं सैनिक आते हैं, ठीक है।
साना इसके जो ये तो जलनीय पर्वतीय प्रजातियां होती हैं, लेकिन शारीरिक बनावट एवं कार्य निष्पादन की दृष्टि से इसे श्रमिक, सैनिक, राजा, रानी और में विभक्त किया गया, चार भागों में बांटा गया है। इसके एक निभा के अंदर जो भी सभी दीमक पाए जाते हैं उसको कार्य के आधार पर और शारीरिक बनावट के आधार पर राजा, रानी, ठीक है, श्रमिक और सैनिक में बांटा गया है। नॉट शारीरिक बनावट तथा शारीरिक बनावट तथा कार्य निष्पादन के आधार पर इसे शारीरिक बनावट व कार्य निष्पादन के आधार पर इसे श्रमिक, सैनिक, राजा व रानी में विभक्त किया गया है। राजा, रानी व सैनिक में इसको विभक्त किया गया है, ठीक है। अगला है इसके जो पोषक पौधे कौन से हैं, ये किन किन पौधों को खाती है, ठीक है। पोषक पौधे, पोषक पोषक पौधे कौन कौन से हैं, तो देखिए कौन से पौधे इसके पोषक है जिनको ये खाती है। तो देखिए गन्ना, गेहूं, जो कपास, मूंगफली, गन्ना, गेहूं, जो कपास, मूंगफली, गेहूं, जो कपास, मूंगफली, ठीक है। टमाटर, मिर्च, बैंगन, टमाटर, मिर्च, बैंगन, टमाटर, मिर्च, बैंगन, अर्थात जिसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, पहली ही चीज जिसमें सेल्यूलोज पाया जाता है ये उनको खाती है, ठीक है। तो इन सब फसलों में, क्या, पौधों में सेलुलोज पाया जाता है। सेब, आम, अमरूद, अनार, चीकू, नारियल, सेब, आम, अमरूद, अनार, चीकू, नारियल, इतने सब नाम सुन के पानी तो नहीं आ रहा है मुंह में। नारियल, अब इतने बहुत हैं आदि इसके पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे तो सेल्यूलोज युक्त तो कई पौधे हैं, अपन नाम लिखना शुरू हो गए तो आज पूरी क्लास में खत्म ना हो गई, ठीक है। अगला है इसका सत्य एवं महत्व, इसकी हानिकारक क्या प्रभाव है, उसके क्या महत्व है, ठीक है। अगला है इसका सत्य एवं महत्व, किसके सत्य एवं किसके महत्व, देखिए इस दीमक के सत्य एवं महत्व, ठीक है। ये सर्वभक्षी कीट है, सब कुछ खाता है, ठीक है। खेतों और घरों दोनों जगह नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। यह सर्वभक्षी है पहली चीज तो, तथा खेत व घरों दोनों जगह नुकसान पहुंचाता है, दोनों जगह नुकसान पहुंचाता है, ठीक है।
और इसके सती केवल क्या करते हैं, तो शिशु व वयस्क शर्मिक ही पहुंचाते हैं। शिशु व वयस्क शर्मिक ही ज्यादा क्या पहुंचाते हैं, सती पहुंचाते हैं, क्योंकि यही कार्य करने बाहर जाते हैं, बाकी तो अपनी नेवा में बने रहते हैं। ठीक है, ज्यादा सती शिशु व वयस्क पहुंचाते हैं, ज्यादा सती शिशु व वयस्क पहुंचाते हैं, शिशु व वयस्क पहुंचाते हैं। ठीक है, अरे शिशु व वयस्क कौन से हैं, श्रमिक, श्रमिक पहुंचाते हैं। ठीक है, अगला इसकी सती या महत्व अपन दे सकते हैं। ठीक है, जमीन में रहकर ये पौधों की जड़ों को खा जाते हैं। ठीक है, हाँ, जमीन में रहकर पौधों की जड़ों को खाकर ये सती पहुंचाते हैं। ठीक है, जमीन में रहकर पौधे की जड़ों को खाकर सती पहुंचाते हैं, सती पहुंचाते हैं। ठीक है, अगला है ये खड़ी फसलों में क्या करता है, खड़ी फसलों में सिंचित क्षेत्र की अपेक्षा असिंचित क्षेत्रों में ज्यादा प्रकोप होता है, जहां पानी होता है। ठीक है, जहां सिंचाई लगातार चल रही हो वहां पर इसका प्रकोप कम होता है। ठीक है, उदय वहां पर जीवित नहीं रह पाती, लेकिन जहां असिंचित क्षेत्र होता है, जहां सिंचाई हुए काफी टाइम हो गया, जहां पर नमी नहीं है, शुष्क वातावरण है, वहां पर इसका प्रकोप ज्यादा होता है, वो भी खड़ी फसलों में। अर्थात जो खड़ी फसल में जहां अपन सिंचाई करते हैं वहां तो इसका प्रकोप देखने को नहीं मिलता, लेकिन जहां अपन सिंचाई नहीं करते वहां इसका प्रकोप ज्यादा देखने को। खड़ी फसल में सिंचित क्षेत्र की तुलना में असिंचित क्षेत्र असिंचित क्षेत्र में इसका प्रकोप ज्यादा होता है, असिंचित क्षेत्र में इसका प्रकोप ज्यादा होता है। पूरे वर्ष पर सक्रिय, ये पूरे वर्ष पर सक्रिय रहते हैं, लेकिन वर्षा के समय इसका प्रकोप कम हो जाता है। पूरे वर्ष पर सक्रिय रहते हैं, लेकिन बारिश के समय प्रकोप कम हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ पानी पानी होता है, और जहां पानी होता है वहां इनका काम होता नहीं। वर्ष भर सक्रिय लेकिन वर्षा के समय प्रकोप कम हो जाता है, वर्षा के समय इसका प्रकोप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर इसके नियंत्रण के उपाय क्या है वो अपन आगे पढ़ते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है, नियंत्रण के उपाय। ठीक है, नियंत्रण के उपाय,
किसके नियंत्रण के? दीमक नियंत्रण के उपाय। नियंत्रण के उपाय देखिए क्या होते हैं, ठीक है। यांत्रिक एवं कृषिगत नियंत्रण, इसके नियंत्रण के उपाय क्या है? यांत्रिक एवं कृषिगत नियंत्रण। यांत्रिक खोद के जहां भी हो उसको काट के फेंक दो, ठीक है, जहां भी जिस भी पौधे में हो फसल में उसको उखाड़ के फेंक दो, कहीं साइड में लगा साइड में कर दो, उखाड़ दो, ठीक है, ये यांत्रिक एवं कृषिगत नियंत्रण है। पहला नियंत्रण में पहला है यांत्रिक एवं कृषिगत नियंत्रण। यांत्रिक एवं कृषिगत नियंत्रण का मतलब है कि कैसे अपन यांत्रिक एवं कृषिगत नियंत्रण कर सकते हैं, खेतों में कैसे कर सकते हैं। तो रानी दीमक व अन्य पूरक प्रजातियों को जमीन की खुदाई करके बाहर निकाल के नष्ट कर देना, ठीक है। तो पहला है टर्मेटेरिया की खुदाई कर, टर्मेटेरिया की खुदाई कर, टर्मेटेरिया की खुदाई कर रानी दीमक तथा अन्य पूरक जातियों को नष्ट कर देना चाहिए। नष्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल नष्ट कर देना चाहिए। खेतों में हरी खाद व गोबर खाद नहीं डालनी चाहिए। खेतों में हरी खाद व गोबर खाद नहीं डालनी चाहिए। हरी खाद व गोबर खाद नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, खेतों में हरी खाद व गोबर खाद नहीं डालनी चाहिए तो फसलों के अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। फसल काटने के बाद जो अवशेष बच जाते हैं फसलों के अवशेषों को इकट्ठा कर नष्ट कर देना चाहिए। नष्ट करने के अलग अलग उपाय हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। समय समय पर खड़ी फसलों में सिंचाई करते रहना चाहिए ताकि नमी बने रहे और दीमक पनपे ना, ठीक है। समय समय पर खड़ी फसलों में सिंचाई करनी चाहिए। समय समय पर क्या करते रहना चाहिए? सिंचाई करते रहना चाहिए, ठीक है, ठीक। अगला है फल वृक्षों का उपचार, ठीक है, नियंत्रण कैसे कर सकते हैं इनका, फल वृक्षों पर उपचार कर सकते हैं। अगला है फल वृक्षों का उपचार करके अपन बी फल वृक्षों का उपचार करके, फल वृक्षों का उपचार कैसे कर सकते हैं, ठीक है। रोपाई से पहले या जो अपन फल वृक्ष रोपते हैं उससे पहले, ठीक है, मिथाइल पेराथियन या मेलाथियन चूर्ण के उपचारित करना, ठीक है। रोपाई से पहले, रोपाई या बुआई जिसे कहते हैं, रोपाई से पहले मिथाइल
तेरा ध्यान। मिथाइल पेरा थियान या मेलाथियान चूर्ण या मेलाथियान या मेलाथियान चूर्ण से उपचारित करना सबसे बड़ी बात। बीजों को ही उपचारित कर दे ताकि दिमाग पन पे ही ना। ठीक है, पौधे के तनों में 2 मिलीलीटर मेलाथियान या क्विनोलफॉस का प्रति लीटर पानी की दर से नियमित उपचार करना। ठीक है, पौधे में 2 मिलीलीटर क्विनोलफॉस प्रति लीटर से नियमित उपचार करना। नियमित उपचार करना, ठीक है, नियमित उपचार करते रहना चाहिए। ठीक है, फिर गहरी खुदाई करके पानी भर देना। गहरी खुदाई करके पानी भर देना, पानी भर देना, यह भी एक उपचार है किसका। ठीक है, नीम की खड़ी का उपयोग करना दीमक के रुका नियंत्रण के लिए। नीम की खड़ी का उपयोग करना, नीम की खड़ी का उपयोग करना। ठीक है, नीम की खड़ी का उपयोग करना। ठीक है, पुराने बगीचों के जो थावले होते हैं, ठीक है, पौधों के जो थावले होते हैं उनकी अच्छी गुड़ाई करके मिथाइल पेराथियान या क्विनोलफॉस से उपचारित करना। ठीक है, फसलों का उपचार आगे अपन देखते हैं। फसलों का उपचार कैसे कर सकते हैं अपन दीमक से बचाने के लिए, फसलों का उपचार कैसे कर सकते हैं। अगला है फसलों का उपचार कैसे कर सकते हैं अपन। फसलों का उपचार देखें, फसलों के उपचार करके अपन नियंत्रण कर सकते हैं दीमक का। तो देखिए, प्रतिवर्ष नियमित रूप से फसल लगाने से पहले क्या करें, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से मिथाइल पेराथियान या क्विनोलफॉस चूर्ण से उपचारित करना। प्रतिवर्ष फसल लगाने से पहले मिथाइल पेराथियान या मिथाइल पेराथियान या क्विनोलफॉस चूर्ण से उपचारित करना। क्विनोलफॉस चूर्ण से उपचारित करना। ठीक है, क्विनोलफॉस चूर्ण से उपचारित करना। गेहूं चना जो के जो बीज को बुआई से 24 घंटे पहले क्विनोलफॉस से उपचारित करना। गेहूं जो चना के बीजों को की बुआई से पहले
प्यूनोल फोस से उपचारित करना, उपचारित करना, ठीक है। फिर उपचारित करने के बाद क्या करना, बीज को अच्छे से सुखाई सुखाना चाहिए। फिर अच्छे से सुखाना चाहिए अपन को, ठीक है। चौथा, तीसरा है, ठीक है, खड़ी फसल में क्यूनोल फोस दो, सॉरी क्लोरोपायरीफोस सिंचाई के साथ देना। क्लोरोपायरीफोस सिंचाई के साथ देना, ठीक है, सिंचाई के साथ देना। फसल कटने के बाद खेत में 2-3 बार अच्छी गहरी जुताई करना। फसल कटने के बाद, फसल कटने के बाद 2-3 बार अच्छी गहरी जुताई करना, अच्छी गहरी जुताई करना, ठीक है, अच्छी गहरी जुताई करना। आगे है टिड्डा या फड़का, जो हमारे 12th में भी बहुत अच्छे से डिसेक्शन के साथ होगा, वो अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले पहले इसका। देखिए ये था हमारा आज के लिए क्लास, जिसमें अपन ने दीमक के बारे में पढ़ा, लाख कीट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, दीमक और लाख कीट के बारे में अपन ने पढ़ा। दीमक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जितना बड़ा है उतना ही ये इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, मास्क का प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमें, हाथों को बार बार धोएं, ठीक है, अपने पैरों को घरों में थाम लें, क्योंकि जो कोरोना कंट्रोल में आया है उसको अब अपन को और आगे बढ़ने नहीं देना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।